पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार को हुए भीषण रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत और 41 पैसेंजर के घायल होने की खबर है। जानकारों का मानना है कि ट्रेन हादसा इतना भीषण था कि ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की ओर से भेजे गए फरिश्ते न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से वापस ले आए। ये फरिश्ते और कोई नहीं बल्कि घटना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोग थे। इन रियल लाइफ हीरो की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सराहना की है। इसी के साथ ममता सरकार ने इनाम के तौर पर इन लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। बताते चले, जैसे ही स्थानीय लोगों को रेल दुर्घटना की खबर मिली, उनमें से कई लोग मौके पर भागे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। अचानक देखे इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया, बट उतने जो टीम होना चाहिए मेडिकल टीम, उतना अभी तक मेडिकल टीम आगे पहुंचा नहीं। जी अभी तो अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वहीं ममता सरकार द्वारा नौकरी दिए जाने के ऐलान के बाद सभी लोगों ने राज्य सरकार का आभार जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने सिर्फ इंसानियत के तौर पर ये काम किया है, हमने कोई सरकारी नौकरी पाने या फिर किसी अन्य की तारीफ के लिए ये सब नहीं किया है। फिर भी अगर हमें सरकारी नौकरी मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन के आने से पहले ही अपने संपर्कों की मदद से स्थानीय लोगों ने 8 से 10 एम्बुलेंस को बुला लिया था। स्थिति को देखते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने तो घायलों को अपने कंधे पर ही उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बाद में एम्बुलेंस आने के बाद उन्होंने 20 से 30 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रेन की बोगी से शवों को भी बाहर निकाला। इतना ही नहीं, इंसानियत की मिसाल देते हुए ट्रेन हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने लावारिस पड़े मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामानों को एक जगह इकट्ठा किया और पुलिस को सौंप दिया, ताकि हर यात्री का सामान उसके या फिर परिवार वालों के पास सुरक्षित पहुंच जाए। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सेंटर के निदेशक मधुमोई दास ने बताया कि हमारे स्टॉक में लगभग 100 यूनिट खून था और हमें ज्यादा खून की जरूरत थी। भारी जरूरत के चलते मैंने जूनियर डॉक्टर से ब्लड डोनेट करने की अपील की। जब स्थानीय लोगों को इस बात की खबर लगी तो खून देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद घायलों का इलाज करना बेहद आसान हो गया। उन्होंने कहा कि मैं सभी खून देने वालों की सराहना करता हूँ। वाकई बंगाल ट्रेन हादसे के रियल सुपर हीरोज तो ये स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोगों के बारे में आपके क्या विचार है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और बंगाल ट्रेन हादसे से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।